बिहार लगा अगवानी सुल्तानगंज ब्रिज जुंडो बना लगा काम चली थकी से मंदे दिन भांगी किने गिरी से सर्कल ऑफिसर चंदन कुमार कुशी एक जून अंडर कंस्ट्रक्शन साइट गर्ड लगा काम कुरी थका दो हर किने आसे ऑफिसर कैसे एस डी आर एफ और एन डी आर एफ लगा टीम खान गर्ड के विचार आसे सीएम नीतीश कुमार बा ब्रिज भांगा पीछे दे प्रॉप ऑर्डर कुरी और ऑफिसर्स खान के घटना हुआ लगा जिम्मेदार का खान के पहचान कुरी बोले कैसे अभी उस समय पहले एक बार और हुआ था तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था, हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ, अब जिसको भी दिया गया है जर्सी अब इतना देर क्यों हो रहा है। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, एक साल पहले की बात है, अब फिर जब दो हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए, ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी, बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है, उसको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए और ठीक नहीं बना रहा तभी ना गिर जा रहा है भाई, इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी, हम कितना पहले जा करके एक चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ हुई और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा, हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज की मालूम जानकारी है कि सब लोग उसको जल्दी से जल्दी जो नहीं करेगा वो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने का हम लोग की इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल कह तो रहे हैं, कल ही तो बोल दिए हैं, जैसे ही हमको खबर जैसे ही मिला वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात किया, इसलिए इसके लिए चिंता मत करो। कल ध्वस्त होने के बाद जस्ट हमें लोगों को सूचना मिला तो सीओ साहब के माध्यम से हम तुरंत 10 मिनट के अंदर में आकर के यहाँ पर जायजा लिए और जायजा लेने के बाद यहाँ से रिपोर्ट मिला कि कोई मानव क्षति नहीं हुआ है और इनका हम लोग जायजा लेने के बाद फिर अपने लोकेशन में चले गए और फिर हमें सीओ साहब की तरफ से आदेश मिला कि सुबह वहाँ पर पहुँच करके और वहाँ पर जाकर के जायजा लेना है और देख लेना है कि और कोई इसमें कोई क्षति है, कोई मानव दबा है तो उनको रेस्क्यू करना है, तो इसलिए हम एसडीआरएफ की टीम लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं और जो प्रॉब्लम होगा तो हम उसके लिए हम लोग तैयार हैं। एसडीआरएफ की 4 बोट लगी हुई एसडीआरएफ की, 2 बोट उधर से 2 बोट इधर से और 4 बोट अभी नदी में चल रही है और इनके जायजा ले रहे हैं कि मतलब किसी तरह से कोई अभी इनका पदाधिकारी आए नहीं है पुल वाले तो कोई दिखाई नहीं, इनसे बात करने में अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो के बाद एक के हताहत होने की खबर मिली थी जो एसपी सिंगला कंपनी में ही कार्यरत थे, वो गार्ड के रूप में, उन्हीं के एक व्यक्ति की मिसिंग की खबर है जिसकी खोजबीन हम लोग कल रात से और अभी सुबह से ही हमारी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम और उसके अलावे जो हमारे आपदा मित्र के भी लोग हैं ये सारे लोग खोजबीन में लगे हुए हैं। अभी तक बॉडी का कोई पता नहीं चल रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बॉडी को रिकवर कर लिया जाए। उनके परिवार वाले भी पहुंचे हुए हैं सर, उनके पीछे? हाँ, ये कन्फर्म नहीं कहा जा सकता किंतु जो हमारे पास सूचना है जब तक बॉडी मिल नहीं जाती तब तक कन्फर्म कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा कि वाकई में मिसिंग है या नहीं, लेकिन एक व्यक्ति के मिसिंग की खबर है इसीलिए क्योंकि वो गार्ड के रूप में कार्यरत थे, जहां तक उनके चाचा के द्वारा भी कल हमें बताया गया कि उनकी बाइक पुल के जो अभी 15 नंबर पिलर है उसी पर लगी हुई है, वो वहां पर लगा के 10 नंबर पिलर पे कार्य करते थे, 10 नंबर पर गए थे, तो इसीलिए हम लोग इसको मानकर चलते हैं कि एक मिसिंग है उसकी हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एसडीआरएफ टीम लगातार लगी हुई, जब तक बॉडी नहीं मिलेगी तब तक वो एसडीआरएफ की टीम यही अगवानी घाट पे रेकी करेगी। तालमेल हमारे जिला प्रशासन के द्वारा तालमेल बैठाया गया है, ठीक है ना, और जिला प्रशासन के ही नेतृत्व में ये सारे कार्य चल रहे हैं और उन्हीं के निर्देशन पे हम लोग सारे कार्य को निष्पादित भी कर रहे हैं और निश्चित तौर पे हम लोग इसमें सफल रहेंगे, हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। सर मलबा नहीं, अभी तो इसके लिए कोई नागालैंड टीवी सब मनुला का आवाज वॉच अस लाइव ऑन जियो टीवी एंड ऑन योर टेलीविजन सेट्स एज वेल फॉर दिमापुर व्यूअर्स वी आर ऑन चैनल नंबर 994 इन ग्लोबल चैप्टर एंड कोहिमा एंड मोकोकचुंग व्यूअर्स स्विच टू चैनल नंबर 138 ऑन हॉर्नबिल डिजिटल फॉर ऑल न्यूज एंड अपडेट्स फॉलो अस ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब एंड ट्विटर।